जेडीयू बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा और नीतीश कुमार के मर्जी से ही होगा? अरे वो पलटू है। पलटू है लेकिन काम तो करते हैं ना। कहेगा का करेगा का। अगली बार जो है जैसे वो कह रहे हैं अगली बार ऐसा ही होगा, अगली बार पूर्णतः बहुमत जो है बीजेपी की ही होगी। रियली आप देखेंगे तो मेंटली वो कहीं कहीं डिस्टर्ब लगते हैं। आप देखे दिखा होगा कि दो बार नीतीश नरेंद्र मोदी का उन्होंने पैर छू लिया। पैर छूने क्या मतलब है भाई? आप एक राज्य के CM हैं, ठीक है, मोदी PM है, तो आप दोनों का एज ग्रुप समान है, पैर छूने कौन सी बात है? देखिए बीजेपी की सरकार तो बिहार में बनेगी नहीं खास। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए अश्विनी चौबे का फिर से एक बयान सामने आता है जो कि सियासत को गर्म कर देता है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में बीजेपी को अपनी खुद की एक सरकार बनानी चाहिए। यानी कि हम आपको साफ शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार की सरकार अब बिहार में उन्हें नहीं चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे अब वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे। ऐसे में हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं लोगों के मन को टटोलने के लिए कि क्या वो चाहते हैं कि बिहार में CM के तौर पर नीतीश कुमार हो या उनके अलावा कोई और CM हो। तो आइए जानते हैं क्या लगता है बिहार में CM के तौर पे नीतीश कुमार सही है या कोई और? देखिए हाँ तो नीतीश कुमार है ये हैं वर्तमान में तो CM बनेगा जब है ये हैं तो अश्विनी चौबे कह रहे कि बिहार में बीजेपी की सरकार का कोई होना चाहिए, विधान अलग से होना चाहिए विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी की सरकार बने बिहार में। देखिए बीजेपी की सरकार तो बिहार में बनेगी नहीं खास। तो कहने का मकसद कि CM तो नीतीश कुमार रहेंगे जी। हाँ कहने का मकसद है कि अब यहाँ चिराग बीजेपी जेजू तीनों जोड़े अभी गठबंधन में है। तो 2024 का चुनाव अभी समय है उसमें तो, 25 हाँ 25 का समय अभी है। तो कहने का मकसद ये भी बंटवारा सीट का नहीं हुआ है कि कितना पर कौन पार्टी लड़ेगा। जब बंटवारा होगी सीट तब ना होगा। अब सीट निकालने के ऊपर होगा। 243 सीट है। अब बीजेपी कितना सीट बांटती है हर पार्टी का। तो जैसा मैंने जैसे नीतीश कुमार का रह गया कि हम बड़ा पार्टी बिहार में है तो हम तो बेसी न लेंगे जी। अब बीजेपी कम पलड़ेगी, चिराग को कम देगा तो कैसे? मतलब नीतीश कुमार ही रहेगा। हाँ नीतीश कुमार बर्तन रहेगी और कोई उसके अलावा अगर बीजेपी चाहेगी किसी और की सरकार बिहार में तो वो नहीं आएगी। बीजेपी सरकार नहीं बनेगी बिहार नहीं बनेगी। क्या कुछ कहेंगे सर, बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए या नीतीश कुमार ही CM के तौर पर ठीक है? बीजेपी की सरकार कहे सके भाई बीजेपी अच्छा सरकार है। अच्छी तो सरकार है लेकिन बिहार में जनता उन्हें पसंद करती है या नहीं ये बड़ा करे या ना करे हम तो भाई करते हैं। आप करते हैं? हाँ हमारा पूरा फैमिली करता है। इसको नहीं करते ना कहे? अरे वो पलटू है। पलटू है लेकिन काम तो करते हैं ना। कहेगा का करेगा का उसका बात का कोई नहीं कुछ करने कुछ। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार लेकिन का काम तो किए हैं ना? काम तो भाई किए हैं। हाँ जनता काम, तो काम ही देखती है जनता। सबसे बात ये है कि काम से बढ़ के जवान होती है, जवान से बढ़ के कुछ नहीं होती है। ठीक है, क्या लगता है बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए या नीतीश कुमार ही ठीक है? अभी तो देखिए बीजेपी से गठबंधन कर लिया तो नीतीश कुमार ही सही है। नीतीश कुमार ही सही है और कोई और बीजेपी की सरकार आपको सही नहीं लगी? क्योंकि अश्विनी चौबे का बयान है कि बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए अलग से। अलग से उसके लिए चेहरा है अशोक सम्राट है, सही है वो। किसका? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट आपका क्या कहना है, बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए अलग से या फिर नीतीश कुमार के हाथों में ही अभी रहने देना चाहिए? चुनाव आयोग का जो सिस्टम है वो सही कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर पाता है जिसके वजह से जनता जनार्दन सही कैंडिडेट को चुन नहीं पाते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग को अपनी सीमा तय करनी चाहिए कि किस कैंडिडेट को खड़ा करे तभी जनता भी जनार्दन भी समझ पाएगा किसको हम वोट दें। और एक एक्यूरेट दायरा भी होना चाहिए जो कि गोदी उठाकर ये वोट लेते हैं और बूढ़ा आदमी टिपा दे देता है उसको अनसाउंड माइंड होता है वो। कुछ क्राइटेरिया होना जैसे आदमी आप भी पढ़े लिखे हैं तो आपको होता है ना कि हमारे ये एजुकेटेड है ये एज है उसमें भी वोट देने वाला को एज क्लियरिफाई होना चाहिए कि वो अनसाउंड माइंड क्यों वोट देता है। अनसाउंड माइंड को वोट नहीं देना चाहिए। संविधान में ऐसा रूल बदलना चाहिए और चुनाव आयोग में पारदर्शिता रहनी चाहिए। सर,
मेरा सवाल था बिहार में, बिहार के में यही मेन उद्देश्य है, ये अगर होगा तभी बिहार में किसी भी सरकार का सही गठन हो पाएगा। बिल्कुल, क्या बिहार में बीजेपी की अलग से सरकार होनी चाहिए या नीतीश कुमार ही ठीक है? नीतीश कुमार ही ठीक है। ठीक है, अलग से बीजेपी के लोग अगर आते हैं बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे तो ठीक नहीं होगा? ठीक होगा, ठीक होगा, क्योंकि अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है कि बिहार में बीजेपी का अलग सरकार होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। आप क्या, उनका बोलना काम है, उससे क्या दिक्कत, आने वाला समय में हो जाएगा। जो जेडीयू है ना, क्या हो जाएगा, जेडीयू बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा और नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा। अच्छा, नीतीश कुमार समय में, हाँ आने वाला समय, नीतीश कुमार तो हम तो बोल रहे आने वाला समय में उन्हीं की मर्जी से कन्वर्ट हो जाएगा, सब विलय हो जाएगा बीजेपी में। अभी उनके पास ऑप्शन नहीं ना है, क्या कीजिएगा, उस समझ गए कि आरजेडी में नीतीश कुमार अपनी मर्जी से विलय कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कोई तो चेहरा है नहीं। अच्छा। और यहाँ पर जेडीयू कभी भी सरकार अपने बदम पे नहीं बना सकता। बड़ी बात कह दी सर आप, बिल्कुल सही बोल दी ना इसलिए तो। और बीजेपी, अब बीजेपी का तो समर्थन है ना, मगर यहाँ पर तो बीजेपी थोड़ा जेडीयू को थोड़ा देता भाव, तो थोड़ा उनका भी चल रहा, मगर आने वाला समय उनका बिल्कुल सीट कम होगा तो फिर ऑटोमेटिक बीजेपी जाएगा। आप क्या कहेंगे, बिहार में बीजेपी की अलग से सरकार होनी चाहिए या नीतीश कुमार ही ठीक है, क्योंकि अश्विनी चौबे का ये कहना है? मैम एक्चुअली मैं यूपी से रहने वाला हूँ जी, और बिहार में तो चूँकि नीतीश जी की ही सरकार अच्छी है और हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं यहाँ पे रोड वगैरह की, उनके रहने से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे चल रहा है, ठीक है, काम वाम करवा रहे हैं? नहीं, हाँ हम लोग यूपी से हैं, लेकिन नीतीश कुमार का काम हम देखते हैं, आते जाते हैं, तो रोड वगैरह का उनके यहाँ काम बहुत अच्छा है जी। अश्विनी चौबे का कहना है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, बीजेपी को बिहार में अलग से सरकार बनानी चाहिए। बहुमत आएगा तो बनाएंगे, बहुमत आएगा तो तब ना बनाएंगे, अकेले अगर बीजेपी को बहुमत आएगा तभी बनेगी ना सरकार, बहुमत ही नहीं अकेले उनको। तो विधानसभा में बहुमत आप क्या लगता है आएगी बीजेपी को? बीजेपी को अकेले नहीं आएगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगी, अगर अकेले बीजेपी लड़ जाएगी तो उनका सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में तो कह रहे हैं कि बीजेपी को अलग से सरकार बनानी चाहिए, मतलब जेडीयू से अलग और बीजेपी की अलग, तो मुख्यमंत्री भी बदलेंगे? मुख्यमंत्री बदलेगा जब उनको 123 सीट आएगा तब तो सरकार बनेगी जी। 123 उनको अकेले लाना होगा और चुनाव भी अकेले लड़ेंगे तभी पॉसिबल है जी। और इसे उन्होंने प्रयोग करके देखा है, जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा है तो उनका दो बार सफाया हुआ है, दो बार। एक बार जब नीतीश जी और लालू जी मिलकर चुनाव लड़े थे तो आपको याद होगा कि मात्र 58 सीट पूरे गठबंधन को उनको मिला था। हाँ, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हवा हवाई बात है। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना, ठीक है वो अभी काम वाम? नहीं, नीतीश कुमार से अगर आप देखेंगे, उनका बड़ी लैंग्वेज आप देखेंगे तो सही मायने में पद पर रहने की स्थिति में वो नहीं है। रियली आप देखेंगे तो मेंटली वो कहीं कहीं डिस्टर्ब लगते हैं। आप देखे दिखा होगा कि दो बार नीतीश नरेंद्र मोदी का उन्होंने पैर छू लिया। पैर छूने क्या मतलब है भाई, आप एक राज्य के सीएम हैं, ठीक है मोदी पीएम है, तो आप दोनों का एज ग्रुप समान है, पैर छूने कौन सी बात है? सर क्या लगता है, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बिहार में आने वाले चुनाव में बीजेपी की अलग सरकार होनी चाहिए, मतलब जेडीयू से अलग? बीजेपी से नहीं, बीजेपी की ही होनी चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन अश्विनी चौबे तो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार में बीजेपी की अलग से सरकार होनी चाहिए, जेडीयू की अलग होनी चाहिए, मतलब सीएम भी अलग? अगली बार जो है जैसे वो कह रहे हैं, अगली बार ऐसा ही होगा, अगली बार पूर्णतः बहुमत जो है बीजेपी की ही होगी। अब की बार कुछ जनता ने ऐसा प्रदर्शन किया है ताकि शायद कोई त्रुटियां होंगी इनको अभी भविष्य में सुधारा जाएगा, भविष्य में सुधार करके उनको फिर पूर्णतः पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आए, मिलेगी बीजेपी को बिहार में? हाँ मिलेगी, मिलनी चाहिए। जनता यदि काम को देख रही है, यदि कार्य को देख रही है कि कार्य अच्छा हो रहा है, जो मुद्दों पर आलू और प्याज की बात तो नहीं करते हैं, पर जो यदि हर एक चीज़ की मजबूती को देखते हुए यदि जनता ने अगर अपनी आँखों से देखा, क्योंकि जनता पर निर्भर करता है, पर हमको लगता है कि यदि सही दृष्टि से देखा जनता ने, 10-10, 5-5 हज़ार के रुपयों के लालच में नहीं आई, तो वो पूर्णतः बहुमत बीजेपी की ही होगी। लेकिन लोकसभा में सर तो बीजेपी से ज़्यादा जेडीयू सीट लाई थी। जेडीयू तो लाई थी क्योंकि अब हर एक चीज़ का समय होता है, जनता को भ्रमित भी किया जा सकता है। अच्छा। और तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगली बार बीजेपी, क्योंकि इतने अच्छे कार्य कर रही है, जो लंबे समय से वो बंद पड़े थे, जो रुके हुए थे, उनको राम मंदिर बनवाने से अच्छा और कौन सा कार्य फिर भी तो नहीं आया बीजेपी को एंड जेडीयू से ज्यादा? शायद कुछ त्रुटियां हुई हैं, उनको वो देखेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे भरपूर। वो जो त्रुटियां हुई हैं कहीं ना कहीं तो हुई ही हैं, जनता इसलिए रुष्ट हुई है
तो उनको सुधारेंगे तो पूर्णतः बहुमत बीजेपी की ही आएगी, क्योंकि पता है राम मंदिर बनने से वहाँ केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, कितने सारे लोगों को रोजगार मिला है। जहाँ पर लोगों को आज हजारों की संख्या में कोई भी कैसी भी दुकान खोल देता है, ऑटो रिक्शा से लेकर के किसी भी दुकान वाले को, आज यदि जनता वहाँ पर जा रही है तो उनकी बिक्री हो रही है, टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर उनका पैसा भी आ रहा है उन प्रांतों में। अश्विनी चौबे का कहना है कि बिहार में बीजेपी की अलग सरकार होनी चाहिए और जेडीयू की अलग से, अगर साफ तौर से बताए तो जेडीयू अलग ही हुई अगर बीजेपी अलग हुई तो। जी, मेरा कहने का मतलब है सरकार कोई भी हो सबको काम से मतलब होना चाहिए, काम होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। सवाल ये है क्या बीजेपी अलग से सरकार बना पाएगी? वो तो मुश्किल है, अभी तो गठबंधन में है ना सब कोई, इसको मुश्किल है। अकेले उतरी मैदान में तो गठबंधन के साथ है, वो तो बात की बात है, अगर अकेले उतरती है तो। अकेले उतरती तो फिर बाद में जनता सोचेगी क्या वो करना पड़ेगा उसको। आपको क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता है देखो अकेले नहीं हो पाएगा। नहीं, मुश्किल है अभी। मुश्किल है जी, हाँ। तो आपने देखा किस तरीके से अश्विनी चौबे ने बयान दिया था कि बिहार में बीजेपी की अलग सरकार होनी चाहिए, और ऐसे में हमने आज जनता से सवाल पूछा कि अगर बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अलग से सरकार होती है तो क्या जो अगले सीएम है वो बीजेपी के कोई उम्मीदवार बन पाएंगे, क्या बिहार में बीजेपी की सरकार बन पाएगी। कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही था, फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी, धन्यवाद।